न्यूटन की गति के नियम। प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री जो हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें जो बैठे यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में झुक जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारा जाता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर जो है धूल के कण झड़कर गिर जा पड़ते हैं। न्यूटन का ये पहला नियम था, न्यूटन का गति विषयक। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, उसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। द्वितीय नियम के उदाहरण हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, यानी पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको जो है चोट कम लगे। और समान वेग से आती हुई क्रिकेट एवं की गेंद एवं टेनिस की गेंद में से टेनिस की गेंद को कैच करना अधिक आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में जो है कम चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना भी इसी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार ही होता है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, ये भी द्वितीय नियम का ही उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम जो है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यदि दो वस्तुएं आपस में बल लगा रही हैं तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को जो है प्रतिक्रिया कहा जाता है। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम है। तृतीय नियम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर जाता है। नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना। रॉकेट का आगे बढ़ना। बंदूक से गोली जो है छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण थे। तो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है।